आपने तो कई बार कई तरह के पोहे खाए होंगे, जैसे कांदा पोहा, टमाटर पोहा, सादा पोहा, बट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भात पोहा, जो ना कभी आपने सुना होगा और ना कभी आपने खाया होगा। अगर खाया है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं भात पोहा। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में ऐड करेंगे राइस ऑयल। अगर आपके पास राइस ऑयल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें रोस्ट करेंगे पीनट। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी पीनट ली हूँ और मैं इसे धीमी आंच पर रोस्ट कर लेती हूँ। जब ये लाल हो जाए तब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर उसी तेल में मैं छौंक लगाऊँगी जीरा, राई, तेज़पत्ता, ये सब चीज़ से। छौंक में डालने वाली जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है मैं सबका नाम वीडियो के लास्ट में नोट कर दी हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और इसे जब तक रोस्ट करना है जब तक कि इससे भीनी खुशबू आने ना लगे। जब इससे भीनी खुशबू आने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अनियन और इसे भी एक दो मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और मसाला जो नॉर्मल मसाला होता है। और मैं सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम वीडियो के लास्ट में नोट कर दी हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बचा हुआ भात। और इसे एक दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। फ्लेम को हमेशा हाई ही रखिएगा। और एक दो मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस और उसी कटोरी से ऐड करेंगे एक कटोरी गर्म पानी और इसे भी हाई फ्लेम पर एक दो मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ पीनट और इसे एक दो मिनट कुक करने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। लीजिए तैयार है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। मैं इसके साथ सर्व करूंगी कटा हुआ प्याज, दाल मोट और हरी लाल चटनी और साथ में नींबू और लाल मिर्च। और मैं यहाँ पर हरी मिर्च नहीं यूज कर रही हूँ। हरी मिर्च के साथ तो बहुत कुछ खाया जाता है, आप एक बार ट्राई करिएगा लाल मिर्च के साथ, वो भी रोस्टेड। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म भात पोहा।
अब मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो चलिए इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। देखने में लग रहा ना बहुत खूबसूरत, क्योंकि घर का जायका विद खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। ओह माय गॉड, ये बहुत ही डिलीशियस है। प्लीज़ आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि ये कैसा बना है। तो पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, क्योंकि अपना भारत स्वच्छ भारत। और चलते चलते इन दोनों वीडियो में से भी किसी एक पर क्लिक कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड नमस्कार।